हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, और मैं हूं तमन्ना। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं वेजिटेबल कुनेवा पुलाव की रेसिपी। गाइस, ये रेसिपी उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है जो राइस लवर हैं। एक्चुअली राइस की जो क्रेविंग है उसको बिल्कुल किल कर देती है ये। बनकर बहुत ही अमेजिंग और डिलीशियस रेसिपी है ये, और आप इसे लंच या फिर ब्रेकफास्ट दोनों किसी भी टाइम ले सकते हैं अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी पर हैं तो। किनोआ जो है वो प्रोटीन रिच है, इसलिए जो लोग वेजिटेरियन हैं ये उन लोगों के लिए एक सुपर्ब ऑप्शन है। और ये इसमें प्रोटीन की जो मात्रा है वो बहुत ही ज़्यादा है, ये फाइबर से भरा हुआ है। जब हम इसको लेते हैं तब ये हमें ज़्यादा देर तक भूख नहीं लगने देता, हमें पूरा टाइम ये फिल रहने देता है, जिसकी वजह से हम लोग कम से कम खाना खाते हैं और हम कम कैलोरीज लेते हैं और हमारा वेट लॉस प्रोसेस जो है वो ऑलरेडी बहुत तेज़ हो जाता है। तो ये वेट लॉस के लिए बहुत बहुत अच्छी एक ऑप्शन है, बहुत अच्छी रेसिपी है ये। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी क्या है। वेजिटेबल किनोआ बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक स्पून ऑयल ले लिया है और उसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा, चॉप किया हुआ लहसुन, चॉप किया हुआ अदरक और साथ में चॉप किया हुआ प्याज। अब इसे हम थोड़ा सा सौते करने के लिए मिक्स करेंगे। अब ये अनियन अच्छे से सौते हो गए हैं। अब मेरे पास जो भी अवेलेबल वेजिटेबल्स हैं वो मैं इसमें ऐड करूंगी। यहाँ मेरे पास है कैप्सिकम, चॉप्ड कैरेट, चॉप किया हुआ टमाटो, साथ में कुछ पीस, ग्रीन पीस। अब इनको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं सेंधा नमक यूज कर रही हूँ। अगर गाइस आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप जो नॉर्मल वाला सॉल्ट होता है उसे छोड़कर आप सेंधा नमक या फिर हिमालयन पिंक सॉल्ट यूज करें। यहाँ पे मैं टर्मरिक ऐड कर रही हूँ। रेड चिली की जगह मैं यहाँ पर काली मिर्च का इस्तेमाल करूंगी, थोड़ा सा सूखा धनिया पाउडर। बस अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसे 5 से 10 मिनट के लिए कुक होने के लिए ढककर धीमी आंच पर मैं इसे छोड़ दूंगी। हमारी सब्जियां यहाँ अच्छे से कुक हो गई हैं। एक्चुअली हमें इसे ज्यादा कुक नहीं करना है, हाफ ही कुक करेंगे हम इन सब्जियों को। और अब इसमें मैं ऐड करूंगी 1 कप जो है मैंने बॉईल करके किनोआ को रखा हुआ है। आप किनोआ को बॉईल करके फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम प्रिपरेशन के लिए। ये मैंने 1 कप किनोआ जो है बॉईल किया हुआ है और अब मैं इसमें ये मिक्स कर दूंगी। ये देखिए हमारी इजी सा जो ब्रेकफास्ट है, बहुत जल्दी जो बन के तैयार होने वाला। इवन ऑफिस गोइंग जो लोग हैं जिनके पास टाइम नहीं है अपने लिए कुछ भी बनाने का, तो किनोआ को आप रात को बॉईल करके फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और बाकी की जो वेजिटेबल्स हैं आप सुबह हार्डली 5 मिनट्स के अंदर आप इसको बनाकर आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं स्कूल गोइंग्स जो हैं। बहुत ईजी है रेसिपी है ये, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया ऐड करूंगी। ये हो गई हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार। ये हो गई हमारी वेजिटेबल किनोआ पुलाव की जो रेसिपी है वो बिल्कुल तैयार। आप इसमें एक छोटा सा लेमन स्क्वीज करिए, इसका जो टेस्ट है वो अमेजिंग है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। वेलकम बैक गाइस, तो कैसी लगी आपको मेरी वेजिटेबल किनोआ पुलाव की रेसिपी? आई एम श्योर ये आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। गाइस, आप जब भी किसी भी डाइट प्लान के साथ अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करते हैं, इस रेसिपी को उसमें ऐड करते हैं, तो आई एम श्योर अश्योर यू
कि आप इससे 7 to 8 kgs तक इजीली लूज कर सकते हैं किसी भी हेल्दी डाइट प्लान के साथ। तो आप ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबाइए, ताकि क्योंकि मैं आपके लिए अच्छी सी वेट लॉस हेल्दी रेसिपीज और डाइट प्लान्स लेकर आती रहूँगी मैं। तो अगली वीडियो में आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।